नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और दिन शुक्रवार है। अष्टमी तिथि आज सुबह 10:08 तक ही रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 7:20 तक वृद्धि योग रहेगा। इसके अलावा आज शाम 6:28 तक विशाखा नक्षत्र भी रहेगा। आज शुक्रवार के दिन हम 13 मुखी रुद्राक्ष की बात करेंगे, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यजुर्वेद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सूर्योदय से सुबह 8:14 तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज यह योग शाम 6:28 से कल सूर्योदय तक रहेगा और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 7:07 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:03 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 फरवरी की सुबह 9:52 से 10:09 तक और दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 1:23 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:07 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:03 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 6 फरवरी की सुबह 8:13 से 10:24 तक और दोपहर पहले 11:59 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 फरवरी की सुबह 8:13 से 10:24 तक और दोपहर पहले 11:59 से शाम 6:29 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 फरवरी की सुबह 8:13 से 10:24 तक और दोपहर पहले 11:59 से शाम 5:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 8:07 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:13 से दोपहर 12:35 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 12:53 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:15 से दोपहर 12:37 तक। लखनऊ सुबह 10:58 से दोपहर 12:21 तक। भोपाल दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:34 तक। कोलकाता सुबह 10:27 से दोपहर पहले 11:51 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:30 से दोपहर 12:53 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:56 से दोपहर 12:23 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करने से रुका हुआ काम जल्दी पूरा होगा। किसी तरह के विवादों में पड़ने से पहले आपको बचना, सोच विचार करना चाहिए और विवादों में पड़ने से बचना चाहिए। आप किसी तरह के विचारों में खोए रह सकते हैं, इससे खास मौका आपके हाथ से स्लिप हो सकता है, निकल सकता है। किसी काम में परिवार वालों की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी। आज जीवन साथी के साथ मंदिर जाइए। कारोबार में आपको फायदा होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाए रखना चाहिए। पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8।
वृष राशि वालों, आज ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। किसी दोस्त की पार्टी का इनविटेशन आएगा, वहां आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिलेगा। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सभी संकट टल जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आप बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, जहां आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। आपको नया काम करने की सोचेंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। ऑफिस के काम को पूरा करने में आप पूरी तरह से सक्षम होंगे। साथ ही अधिकारी आपके कामों से संतुष्ट होंगे। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। जीवन में सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको किसी बड़ी कंपनी से डील करने का मौका मिलेगा। इस राशि के संगीत के क्षेत्र में रुझान रखने वालों को किसी शो में गाने का ऑफर भी मिलेगा। घर पर अचानक कोई मेहमान आएगा। आप कुछ खास रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन शानदार है। आज आपको किसी समस्या को सुलझाने का रास्ता मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपके नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। बच्चों के साथ किसी पार्क में घूमने जाएंगे। धन लाभ के बड़े अवसर आपको मिलेंगे। आपका कोई खास काम पूरा होगा। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आपके काम समय पर पूरे होंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा। किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। आपका दिन परिवार वालों के साथ बीत सकता है। आप साथियों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। गुस्से में किसी से बात करने से आपको बचना चाहिए। आपके व्यवहार से कुछ लोग प्रभावित भी हो सकते हैं। ऑफिस का माहौल ठीक ठाक रहेगा। परिवार वालों के साथ किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। परिवार के साथ मिलकर परिवार का माहौल खुशनुमा बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। बिजनेस के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा करनी पड़ेगी। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। ऑफिस में आज आपको जिम्मेदारी वाला काम मिल सकता है, जिसे पूरा करने में आप सफल होंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आप नए काम करने की सोचेंगे, जो आपको आगे धन लाभ के अवसर देंगे। आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगेगा। आपका कोई नया दोस्त बन सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे। उधार दिया हुआ पैसा अचानक ही वापस मिल जाएगा। जीवन साथी के साथ बाहर डिनर करने का मन बनाएंगे। इससे रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी। किसी रिश्तेदार के अचानक घर पर आने से घर का माहौल खुशनुमा होगा। वेब डिजाइनर्स के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। आप किसी नई साइट पर काम करेंगे। बिजनेस के क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों से मिलने में मदद मिलेगी। आपकी तरक्की सुनिश्चित है। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज पारिवारिक खुशियों के लिए आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ सकता है। आज आप अपने करियर को लेकर सोच विचार में रहेंगे। कोई नया काम करने से आपको बचना चाहिए। बिजनेस के कार्य में किसी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी पुरानी बात को लेकर आप थोड़े परेशान होंगे, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। घर पर अचानक कोई मित्र आएगा, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। आप उनके साथ पिकनिक पर जाने का प्लान भी बनाएंगे। लंबे समय से चल रही समस्याओं का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज पुराने लेन देन को लेकर किसी से विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स आज पढ़ाई लिखाई में खूब मेहनत करेंगे, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा।
ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग होगा, जिससे आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाहर का जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपकी कोई पुरानी समस्याएं खत्म होने की संभावना है। दिन अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज व्यापार के मामलों में आपके मन में नए नए विचार आएंगे। किसी काम में मित्रों की सलाह फायदेमंद साबित होगी। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। किसी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। लेन देन के मामले में पहले किसी बड़े की राय जरूर ले लीजिए। जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में भी आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज के लिए आज आपको कुछ लाभ के खास अवसर प्राप्त होंगे। और आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज व्यापार में आपको अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। ऑफिस के कुछ सहकर्मी आपके काम में सहायता करेंगे, जिससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा। आपके सोचे हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जरूरतमंद को कंबल दान करें, और जिनकी आज मरीज एनिवर्सरी है वो आज किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों किसी काम में करीबी लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे वो काम आपका जल्दी पूरा होगा। मूलांक 2 किसी काम में आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका वो काम शाम तक पूरा हो जाएगा। मूलांक 3 आज आपके लिए कोई यात्रा के योग बन रहे हैं, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। मूलांक 4 पैसों से रिलेटेड अच्छी खबर मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक पक्ष बेहतर बनेगा। मूलांक 5 किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, साथ ही आपकी उससे दोस्ती भी हो सकती है। मूलांक 6 कारोबारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपके लिए धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 7 खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे, साथ ही आप कोई बेहतरीन मूवी का आनंद भी लेंगे। मूलांक 8 प्रेम प्रसंग के प्रति आपका झुकाव बना रहेगा, सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। मूलांक 9 आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे रसोई और दवाइयों के संबंध के बारे में। रसोई में जलने कट्टे का खतरा अधिक रहता है, जिसके चलते कई लोग फर्स्ट एड बॉक्स यानी दवाई के डिब्बे के लिए रसोई घर का चुनाव करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कभी भी दवाइयों का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में दवाई रखने से घर के सदस्यों की सेहत पर असर पड़ता है, हमेशा उनकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहता है। कोई ना कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उन्हें घेरे रहती है, इसलिए ध्यान रहे गलती से भी कभी दवाइयों का डिब्बा रसोई घर में न रखें, अन्यथा घर के लोगों की सेहत पर इसका असर बहुत बुरा हो सकता है। अब इसका एक थोड़ा रीज़न समझ लीजिए। देखो, घर के हर कोने में अलग अलग इम्पैक्ट आता है। जैसे जहाँ उत्तर पश्चिम कोना है तो वहाँ जो चीज़ है उसे वायु अपने साथ उड़ा ले जाती है। इसीलिए कहते हैं फैक्ट्री में तैयार माल उत्तर पश्चिम कोने में रखो, ताकि वायु उसको उड़ा ले जाए। घर में विवाह योग्य कन्या को उत्तर पश्चिम दिशा में रखो, ताकि जल्दी ही उसकी शादी हो और अपने घर चली जाए। मकान में किराएदार रखना है तो उत्तर पश्चिम दिशा में रखो, ताकि ज़्यादा समय तक टिके नहीं, मकान पर कब्जा करने में कोई समस्या ना हो। ऐसे आग्नेय कोण में रसोई क्यों बनाई गई? क्योंकि वहाँ जो कुछ भी रखो वो बढ़ती है, उसकी वृद्धि होती है। भोजन पकाओ तो उसकी वृद्धि होती है। खूब तृप्त होकर लोग भोजन करते हैं, तो वहाँ अगर दवा रख दो तो खूब तृप्त होकर लोग दवा खाएंगे। तृप्ति के लिए दवा की पहले वृद्धि होगी। इसलिए अपने कमरे के भी साउथ ईस्ट कॉर्नर पे देखो, सिर्फ घर के नहीं, आपका घर कोई अंतिम सीमा पृथ्वी लोक की नहीं है। आपका घर एक आपका घर है, वैसे ही आपका कमरे के भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में कभी दवा का डब्बा नहीं रखना चाहिए। बात क्लियर हो गई? आगे चले।
और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और दिन शुक्रवार है। अष्टमी तिथि आज सुबह 10:08 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी, साथ ही आज शाम 7:20 तक वृद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्य की भी वृद्धि ही होती है, लिहाजा आप नया रोजगार या व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये योग सबसे बढ़िया है। इस योग में किए गए काम में न तो कोई रुकावट आती है और न ही कोई झगड़ा होता है। इसके अलावा आज शाम 6:28 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में विशाखा 16वां नक्षत्र माना जाता है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस नक्षत्र को समृद्धि, शक्ति, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। विशाखा नक्षत्र में विवाह आदि मांगलिक कार्य, कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। जबकि विशाखा नक्षत्र के पेड़ की बात करें तो इसका पेड़ विकंकत है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। इससे धन का लाभ, संतान की प्राप्ति और व्यापार में तरक्की जैसे कई शुभ फल मिलते हैं। तो ये थी आज वृद्धि योग और विशाखा नक्षत्र की चर्चा। और आप बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। आज शुक्रवार के दिन हम 13 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा करेंगे। दरअसल शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह और माता महालक्ष्मी से है। शुक्रवार के दिन इनसे जुड़े उपाय करना बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। बता दूं कि 13 मुखी रुद्राक्ष का संबंध भी शुक्र ग्रह से है, माता महालक्ष्मी से है, और शुक्र ग्रह का संबंध माता महालक्ष्मी से है। इसके अलावा 13 मुखी रुद्राक्ष के देवता कामदेव हैं। शुक्र ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए और कामदेव की अनुकूलता पाने के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही उपयोगी है। लिहाजा आप 13 मुखी रुद्राक्ष से कैसे लाभ पा सकते हैं, आज हमारी सारी चर्चा इसी पर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 13 मुखी रुद्राक्ष की पहचान से जुड़ी कुछ बातें जरूर बता दूँ। किसी भी रुद्राक्ष की पहचान के लिए उसके ऊपर पड़ी धारियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धारियां ही रुद्राक्ष की पहचान है। जिस रुद्राक्ष पर जितनी धारियां पड़ी होती हैं वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। लिहाजा जिस रुद्राक्ष पर प्राकृतिक रूप से 13 धारियां या लाइंस पड़ी होती हैं वो 13 मुखी रुद्राक्ष कहलाएगा। ये रुद्राक्ष इंडोनेशिया और नेपाल, इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडोनेशिया के दाने 4 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, जबकि नेपाली दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास के पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी सबसे बड़े दाने नेपाल के पाली क्षेत्र के पाए जाते हैं। आपको यहाँ एक ज़रूरी बात और बता दूं कि आजकल बाज़ार में असली के नाम पर बहुत से नकली रुद्राक्ष भी बेचे जा रहे हैं। आपको इनसे बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। असली नकली रुद्राक्ष की पहचानने के लिए आपको तरीका बता दूं। अगर रुद्राक्ष को पानी में डालने पर डूब जाए तो रुद्राक्ष असली है, लेकिन अगर पानी में तैरने लगे तो समझो रुद्राक्ष नकली। इसके अलावा 5 से 6 घंटे धूप में रखने पर अगर रुद्राक्ष टूटे या चटके नहीं तो वो असली है, वरना नकली है। तेज धूप में रखिए। अब यहाँ एक बात और है। अगर मान लीजिए रुद्राक्ष है, उसको खूब तेल पिलाया हुआ, तो पानी में डूबेगा कि उतराएगा? इस तरीके के आजकल बड़े गड़बड़ सड़बड़ लोग करते हैं। तो ये जो पुरानी पहचाने हैं जो सब चर्चा करते हैं, हम भी चर्चा कर देते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। आप इनका एक्सरे निकलवाइए। वो जो डेंटिस्ट वाला एक्सरे होता है ना, वो सस्ता हो जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष में देखो, 2 धारियों के बीच में एक बीज होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष में 13 बीज अंदर से होने चाहिए। ऊपर कारीगरी करके धारियां बढ़ाई घट जा सकती हैं। जैसे 12.5 है तो उसको 13 कर सकते हैं, या 6 को 13 बना सकते हैं, 7 को 13 कर, लेकिन अंदर के बीज नहीं पैदा कर सकते। तो एक्सरे मशीन से वो बीज देखने में कोई बुराई नहीं। 13 मुखी रुद्राक्ष महंगा है, आप उसकी एक साथ में वो भी मांगिए अगर किसी से खरीदिए, वरना खुद ही करा के देखिए। तो ये थी 13 मुखी रुद्राक्ष की पहचान और असली नकली रुद्राक्ष के फर्क को समझने की बात। अब आगे बढ़ते हैं और शुक्राच की शुक्र ग्रह माता महालक्ष्मी के अलावा इस 13 मुखी रुद्राक्ष को कामदेव और इंद्रदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि एक बार इंद्र ने अपना साम्राज्य खोने के बाद बृहस्पति और ब्राह्मणों की सलाह पर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण किया, जिससे उन्हें राज्य वापस मिल गया।
कुछ ग्रंथों में इसे विष्णु जी द्वारा भी शासित माना गया है। कहते हैं विष्णु कुछ द्वारा शासित तो सभी कुछ है। कहते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति की सभी कामनाएं यानी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसे धारक को आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, साथ ही जीवन का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए सुख साधन भी मिलते हैं। लिहाजा जीवन की गति को सरल बनाए रखने के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है। पद्म पुराण के अनुसार 13 मुखी का ये दाना सद्भाग्य का प्रतीक है, कारक है, यानी ये भाग्य को बढ़ाने के लिए सौभाग्य को बढ़ाने का काम करता है। इस रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग को पाता है। अब वो तो हर रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग को ही जाता है, लिहाजा मोक्ष प्राप्ति में रुद्राक्ष सहायक। अगर इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति माता महालक्ष्मी के स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करता है तो उसे कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। उसके ऊपर चारों ओर से धन की वर्षा होती है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। लिहाजा इस रुद्राक्ष को धारण करके आप माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आर्थिक मामलों में अप्रतिम लाभ पा सकते हैं। आपको बता दूं कि धन के इच्छुक व्यक्ति इस दाने का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। इसके अलावा शादीशुदा लोगों के लिए भी ये रुद्राक्ष विशेष रूप से फायदेमंद है। अपने दाम्पत्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जीवन में मान लीजिए ऊष्मा का संचार करने के लिए इस रुद्राक्ष का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप अपने करीबियों से घनिष्ठ संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष के एक दाने के साथ 6 मुखी रुद्राक्ष के दो दानों का संयोग धारण करना चाहिए, मतलब 2 6 मुखी 1 13 मुखी। इस संयोग को मोहिनी संयोग कहते हैं। इससे करीबियों के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत रहेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बात करें तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो मंच कलाकार हैं, जो अभिनेता हैं, जो नेता हैं या जो लेखक हैं, या जो लोग किसी सरकारी विभाग में उच्च पद पर आसीन हैं, या जो किसी चीज़ के विक्रय से संबंध रखते हैं, उन सब के लिए ये त्रयोदश मुखी यानी 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही लाभदायी है। इससे आपको अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफलता, यश, सम्मान और ख्याति प्राप्त होती है। धारक के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आती है और वो एक अच्छा वक्ता साबित होता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के अंदर अद्भुत आकर्षक क्षमता देखने को मिलती है। वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अगर स्वास्थ्य और औषधि के नज़रिए से 13 मुखी रुद्राक्ष को देखें तो ये दाना मनोविकार या मानसिक विकार को दूर करने में बहुत ही सहायक है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र में किसी प्रकार का अवरोध, जोड़ों में दर्द की समस्या, रक्त की नालियों में रुकावट, जननेन्द्रिय या गर्भधारण करने संबंधी कोई परेशानी, अपच, थायराइड, आँख और गर्दन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी इस 13 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग बड़ा ही लाभकारी है। आपको बता दूं कि वैसे तो इस रुद्राक्ष को अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करना चाहिए, लेकिन अगर भुजा पर धारण करना सुविधाजनक नहीं है तो आप इसे गले में माला के तौर पर भी धारण कर सकते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले फायदों पर तो हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं इस रुद्राक्ष को धारण करने की सही विधि क्या है। किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसकी उचित प्रकार से पूजा और उस पर मंत्र का जप किया जाना बहुत जरूरी है। लिहाजा आपको बता दूं कि 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उस पर थोड़ा सा चंदन घिसकर लगाएं, उसके बाद रुद्राक्ष को धूप दिखाएं और उस पर एक सफ़ेद फूल भी चढ़ाएं, फिर शिवलिंग या शिव जी की फोटो या मूर्ति से रुद्राक्ष को स्पर्श कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। और अगर विभिन्न शास्त्रों के हिसाब से रुद्राक्ष पर मंत्र जप की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः मंत्र का जप करना चाहिए 13 मुखी पर। मंत्र महारणों के अनुसार ओम छांग चौं नमः। पद्म पुराण के अनुसार ओम छौं। स्कंद पुराण के अनुसार ओम छैं स्तौं नमः। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामतात्। इस प्रकार विभिन्न मंत्रों का जप करने के बाद आप उस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्रवार के दिन विशेष तौर पर 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। शास्त्रों में 13 मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है, आप इसे कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं और शुक्र संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, आज हमने सबके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।
और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, घर पर कोई नया सदस्य शामिल होगा जिससे घर पर सभी लोग बहुत खुश होंगे। बी, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, साथी को नया काम शुरू करेंगे। सी, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, पूरा दिन मौज मस्ती में बिताएंगे। डी, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, न ही आप अपनी कोई बात बताएं। ई, फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं, किसी फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट खरीदेंगे। एफ, लवमेट के लिए दिन खुशनुमा रहेगा, पार्टनर के साथ फोन पर खूब सारी बातें करेंगे। जी, घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। एच, आपकी सभी परेशानियों का हल मिलेगा, साथ ही आपके काम पूरे होंगे। आई, आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। जे, काफ़ी दिनों से आप जिस मौके का इंतज़ार कर रहे थे वो मौका आज आपको मिलेगा। के, कार्यक्षेत्र में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। एल, आपके करियर में बदलाव आएगा, इस बदलाव से आपका करियर बेहतर बनेगा। एम, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी प्रॉपर्टी से आपको दोगुना मुनाफा होगा। एन, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा जिससे आप अपने रुके हुए कामों को पूरा कर लेंगे। ओ, विरोधियों से चल रहा विवाद खत्म होगा, साथ ही आपके बीच दोस्ती हो सकती है। पी, रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा, साथ ही आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। क्यू, छात्र कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आज आप कर सकते हैं। आर, किसी बात को लेकर आप खुश बने रहेंगे, ये खुशी आपके चेहरे पर छलकेगी। एस, महिलाओं के लिए दिन खुशनुमा बना रहेगा, घरेलू काम जल्दी से पूरे हो जाएंगे। टी, शाम को किसी पार्टी में जाएंगे जहां पर आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। यू, जो लोग संगीत के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। वी, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस में अचानक मुनाफा होगा। डब्ल्यू, परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे जिससे आपके बीच नज़दीकियाँ और बढ़ेंगी। एक्स, डॉक्टर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। वाई, जो लोग कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जेड, विवाहितों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, जीवन साथी से किसी बात पर अनबन हो सकती है। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 13 किलोमीटर दूरी पर घने जंगलों के बीच में है। मुख्य रूप से यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग काफ़ी पवित्र माना जाता है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये त्रेता काल से संबंधित है। कहा जाता है कि मंदिर में बना एक धूना त्रेताकालीन है जिसमें लोग लकड़ी तो डालते हैं लेकिन फूंक नहीं मारते। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए तपस्या की थी। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 फरवरी को माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आज के दिन नारियल का प्रयोग आपके बुद्धि का नाश कराने वाला होता है। अष्टमी तिथि आज सुबह 10:08 तक रहेगी, उसके बाद 9वीं तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 8:14 तक रहेगी। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है, लिहाजा आज सुबह 10:08 तक आपको नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल सुबह 8:14 तक आपको लौकी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आपको जो भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व।
और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हल्दी से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।